अभी मैं आप लोग को एक क्लिप दिखाऊंगा। वाली क्लिप में एक प्लेयर है जिसने ओजीलिट की टीम को अकेले 1v4 मारा। तो क्लिप देख के आप लोग को पता चल जाएगा वो प्लेयर कौन है और उसने कैसे ओजीलिट की टीम को अकेले 1v4 मारा। बट क्लिप देख के आप लोग को ये नहीं पता चलेगा वो प्लेयर ने ओजीलिट की टीम को मारने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई, क्या क्या गेम सेंस लगाया, उसने कैसे मारा, वो सब आपको क्लिप देख के नहीं पता चलेगा। बट टेंशन मत लो, क्लिप के बाद वो सब मैं आप लोग को समझाऊंगा कि वो प्लेयर ने ओजीलिट की टीम को मारने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी लगाई, क्या क्या IQ लगाया, क्या क्या गेम सेंस लगाया, वो सब चीज मैं आप लोग को समझाऊंगा ताकि आप लोग भी 1v4 क्लच कर पाओ। बट पहले आप लोग क्लिप देखो, उसके बाद मैं आप लोग को समझाऊंगा। बट देखने वाली बात है कि दूसरे एंगल्स पे कहां पर हम लोगों को फाइट देखने को मिल गई। ओके, फिलहाल यहां पर हम लोगों को फाइट देखने को मिल रही है ओजी वर्सेस वीआईटीएन। यहां पर अगर आप देखेंगे मेल को फिलहाल उन्होंने टेक डाउन जरूर कर दिया, पीछे से कवर फायर आया जरूर, लेकिन कौन सा भी फिलहाल यहां पर डाउन हो जाएंगे। एंड इसी के साथ यहां पर किल भी कंफर्म कर दिया कि बॉट 3000 भी डाउन हो जाएंगे। हम नहीं देख लौते प्लेयर अपनी टीम से बचे रहेंगे, ओजी इनके ऊपर पूरा पूरा फायर करते हुए दिखाई देगी। एंड जी हां, यहां पर मैन एडवांटेज उनके लिए जरूर फेवरेबल रहेगा, लेकिन हम नहीं क्या जाने से पहले किसी प्लेयर को टेक डाउन कर पाएंगे या फिर नहीं, क्या किल कंफर्म कर पाएंगे। जी हां, उन्होंने दो प्लेयर्स को यहां पर डाउन कर दिया जो उन्होंने लैंडमैन लगाए थे। एंड किल भी यहां पर लेकिन क्या ओल्डमोंग अपने टीममेट्स को बचा पाएंगे या फिर नहीं, इकलौते प्लेयर यहां पर है जरूर जो बचे रहेंगे। 1v1 सिचुएशन में फाइट हम लोगों को होती भी दिखाई देने वाली है। लॉन्ग रेंज में कहीं ना कहीं फाइट लेने की कोशिश की जा रही है, क्लोज में नहीं जा रहे हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नहीं प्लेयर अपने आपको हिल यहाँ पे करने वाले हैं। अमनीत की HP यहाँ पर फिल भी हम लोगों को काफी कम नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओल्डमोंग पीछे की तरफ जाएंगे जरूर, क्या वो अपने टीममेट को बचाने की कोशिश करेंगे? जी नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी जो टीममेट है VID कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ जरूर है। ग्लू वॉल दोनों ही मेंबर्स के पास होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर शॉट कनेक्ट होगा ओल्डमैन को। एंड जी हाँ, अमनीत यहाँ पर 1v4 कर देंगे, पूरी की पूरी ओजी टीम को उन्होंने वाइप आउट कर दिया। अब आप लोग ने क्लिप देख ली होगी और आप लोग को वाले प्लेयर का नाम पता चल गया होगा, वो प्लेयर का नाम है अवनीत। अब बात करते हैं अवनीत ने 1v4 क्लच कैसे किया। आप लोग बैकग्राउंड में अवनीत को देखो, पहले अवनीत ओजीलिट की टीम के प्लेयर को थोड़ा डैमेज देते हैं और फिर वॉल लगा लेते हैं। अब अवनीत को पता होता है ओजीलिट की टीम के 3 प्लेयर उन पर रश कर रहे हैं और अवनीत को यही पता होता है जहां पर अभी अवनीत खड़े हैं वहां पर से ओजीलिट की टीम के 3 प्लेयर उन पर रश करेंगे। तो अवनीत वहां पर 1 या 2 लैंडमाइन लगा देते हैं और अपना पीछे वाली वॉल में चल जाते हैं और इसको ही कहते हैं प्रॉपर IQ। अब जैसे ही ओजीलिट की टीम के 3 प्लेयर अवनीत पे रश करते हैं, बट अवनीत ने तो वहां पर लैंडमाइन लगाई होती है, तो ओजीलिट की टीम के 2 प्लेयर लैंडमाइन से नॉक हो जाते हैं और जो ओजीलिट की टीम का तीसरा प्लेयर होता है उसको अवनीत डबल बैरल से हेडशॉट मार के उसको नॉक कर देते हैं। आप लोगों ने यहां पर देखा, अगर अवनीत वहां पर लैंडमाइन नहीं लगाते तो ओजीलिट की टीम के 2 प्लेयर को नॉक नहीं कर पाते। तो इसको ही कहते हैं प्रॉपर IQ और अपने पास जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसको प्रॉपर यूज करना। तो अगर आप लोग कोई 1v4 क्लच करना सीखना है तो पहले आप लोग को अपना IQ और गेम सेंस इंप्रूव करना पड़ेगा कि आप लोग को शॉर्ट रेंज में कैसे फाइट देनी है, आप लोग को शॉर्ट रेंज में एनिमी को कैसे नचाना है, आप लोग को सब चीज सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये, आप लोग के पास शॉर्ट रेंज में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे लैंडमाइन, गेनेट, फ्लैश बैंक और जो बर्फ वाला बम होता है, आप लोग को यूज करना आना चाहिए, तभी आप लोग 1v4 क्लच कर पाओगे। अब ओजीलिट की टीम के लास्ट प्लेयर बचे होते हैं जो होते हैं ओल्डमोंग, और यहाँ पर ओल्डमोंग के पास शॉर्ट रेंज गन नहीं होती है, तो अवनीत ओल्डमोंग को आराम से मार देते हैं और यहाँ पर अवनीत ओजीलिट की टीम को अकेले ही मार देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके पक्का बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो 1K लाइक कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।